जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। जैसे कि मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट डाली थी कि आज मैं आपको ओमकारेश्वर का वो रहस्य बताऊंगा जिसके बारे में साइंटिस्ट भी फेल है। ये रहस्य है वहाँ की शयन आरती से जुड़ा हुआ। होता क्या है कि सदियों से वहाँ पे ये परंपरा है कि रात को 9:30 बजे या 10 बजे जब भी भगवान ओमकारेश्वर की शयन आरती होती है तो उनकी शयन आरती के बाद में वहाँ पे चौसर बिछाई जाती है, यानी कि वहाँ पे शैया तैयार की जाती है, जिसके शैया के दर्शन आपको होंगे वीडियो के अंदर। और शैया के ऊपर में चौसर बिछाई जाती है, उसके बाद वहाँ पे पान के बीड़े लगाए जाते हैं उनके और कपाट बंद कर दिए जाते हैं। उसके बाद में उस कपाट के अंदर जाने की अनुमति किसी को भी नहीं है जब तक सुबह की आरती का समय नहीं हो जाता। तो जब सुबह आरती के लिए कपाट खोले जाते हैं तो चौसर की गोटियां बिखरी हुई होती हैं, पान चबाया हुआ होता है और बिस्तर जो होता है, जो शैया होती है, वो अस्त व्यस्त होती है। कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ पर आकर के चौसर खेलते हैं और इसे आप लोगों की आस्था भी कह सकते हैं कि ये चमत्कार जो है वहाँ पे सदियों से हो रहा है लगातार डेली। मैंने भी इस चमत्कार को देखा, अपनी आंखों से देखा है। मैं खुद ओमकारेश्वर की जो शयन आरती की फ़ोटो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी वो फ़ोटो मैंने ही खींची थी। और ये बात है अक्टूबर की, जब मैं वहाँ पे गया था रात्रि के समय पे, तो भगवान की शयन आरती देखने का मेरे को मौका मिला। और वहाँ के जो महंत हैं वो मेरे जान पहचान के हैं, उनको जानते हैं अच्छे से, तो जिस कारण से मुझे गर्भगृह के अंदर फ़ोटोग्राफी करने की परमिशन भी मिल गई थी। तो उस शैया की मैंने फ़ोटो खींची वहाँ पे। और जब मैं वहाँ से वापस जाने लगा तो मुझे बताया गया कि ये शैया जो है इसका साथ में एक चमत्कार जुड़ा हुआ है, इसके साथ में कहानी जुड़ी हुई है कि भगवान शिव और माता पार्वती स्वयं आकर के यहाँ पे चौसर खेलते हैं। तो मेरे को यकीन नहीं हुआ था, मैंने काफ़ी लोगों से इसके बारे में सुना। तो एक बार हुआ ये कि मैं अकेले समय निकाल करके और बिना किसी को बताए मैं उज्जैन भी गया था और उज्जैन से फिर मैं ओमकारेश्वर भी गया था। वहाँ के जो उज्जैन में, इस बात को सिर्फ एक बंदा जानता है मेरे अलावा, जो मेरा ड्राइवर है जो उज्जैन में मेरे साथ, जिसके साथ में मैं रहता हूँ, ठीक है। तो उनसे मैंने बात करी, मैंने पूरी प्लानिंग करी और पुजारी जी को मैंने बोला कि मैंने कहा मैं रात की मैं रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो अक्टूबर की ये बात है और अक्टूबर के अंदर ही ये चीज़ मैंने करी। तो हुआ क्या कि मैंने अपना एक फ़ोन मैंने पुजारी जी को दिया, मैंने उनको बोला कि मैंने कहा जब आप शयन आरती के लिए इसको बंद करेंगे, अब वो कौन पुजारी हैं, वो क्योंकि मंदिर के अंदर कई सारे पुजारी हैं तो वो कौन से पुजारी जी हैं मैं उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, और दूसरी चीज़ है कि अगर ये नाम कहीं बाहर लीक हो गया तो फिर उनके ऊपर बात आ सकती है क्योंकि इस तरीके से रिकॉर्डिंग करने देना अलाउड नहीं है या फ़ोटो खींचना भी अलाउड नहीं है। तो वो कौन पंडित जी हैं वो मैं उनका नाम नहीं ले सकता यहाँ पर। तो जब हमने ये चीज़ प्लान करी, इसके बारे में मैं किसी को आज तक किसी को नहीं पता था, मैंने अपने किसी शिष्य को भी इसके बारे में नहीं बताया कि मैंने ये किया हुआ है। तो मैंने क्या किया, मैंने उन पुजारी जी से बात करी, मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि मैं रात की वहाँ पे शयन आरती के बाद जिस टाइम कपाट बंद हो जाता है उस टाइम पे मैं वहाँ पे रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ, मतलब कि किसी तरीके से मेरा फ़ोन अंदर रख दिया जाए जिस तरीके से कि रिकॉर्डिंग वहाँ पर हो सके। तो हुआ क्या, मैंने अपनी फ़ोन, मैं गया उज्जैन में, मैं उज्जैन से फिर मैं ओमकारेश्वर गया। ओमकारेश्वर में जाकर के मैं पंडित जी से मिला वहाँ पे, उनको मैंने फ़ोन अपना दिया और उन्होंने अंदर जाकर के, जब वो बाकी के पुजारी जो आरती कर रहे थे तो उन्होंने फ़ोन को एक ऐसी जगह पे रख दिया जहाँ से कि शैया की रिकॉर्डिंग हो सकती है या शैया दिखे वहाँ पे। और वो फ़ोन ऐसी जगह पे रखा हुआ था कि सामने उसके शैया दिख रही थी, शैया के सामने भगवान ओमकारेश्वर का शिवलिंग था। तो ये होने के बाद में फिर वो वापस आ गए वहाँ पे और हम लोग, मैंने फिर रात को मैं वहीं रुका हुआ था।
पूरी रात मेरे को इस टेंशन में नींद नहीं आई कि कौन आता होगा अंदर, कौन खेलता होगा, क्या होता होगा। ठीक है, तो सुबह सुबह जब मैंने मेरा फ़ोन वापस आया वहाँ से, जब पुजारी जी अंदर गए, उन्होंने जब बाकी लोग जब मंगल आरती कर रहे थे वहाँ पे ओमकारेश्वर के, और जब वो मेरा फ़ोन वहाँ से लेकर के वापस आए, और जब मैंने उस फ़ोन की रिकॉर्डिंग देखी, मेरे होश उड़ गए थे। क्योंकि पूरी रिकॉर्डिंग में, उस पूरे करीब 7 घंटे की वो रिकॉर्डिंग हुई थी, रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 10 या 9 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक या 5 बजे तक की रिकॉर्डिंग उसमें थी, और उस पूरे रिकॉर्डिंग के अंदर ना ही कोई व्यक्ति उस कमरे के अंदर आया, उस गर्भगृह के अंदर कोई व्यक्ति आया, ना ही कोई व्यक्ति कमरे के बाहर गया। लेकिन जिस समय सुबह सुबह जब वहाँ पे द्वार खुलने वाले थे, उस समय मेरे वहाँ पे कमरे के अंदर एकदम अंधेरा हो गया, और जब लाइट आई वहाँ पे वापस, तो उसके बाद में वहाँ पे गोटियाँ सारी की सारी इधर उधर पड़ी हुई थी, और बिस्तर अस्त व्यस्त जैसा कि बोला जाता है, गोटियाँ, कुछ गोटियाँ, एक एक गोटी नीचे भी गिरी हुई थी। ठीक है, जो सर्प थे, जो सर्प खड़े किए जाते हैं वहाँ पे, वो सर्प भी गिरे हुए थे एक तरफ को, मतलब शैया पे ही थे लेकिन गिरे हुए थे। और किसी को नहीं पता चला कि उसके बाद में वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैंने कोशिश करी कि मैं उस रिकॉर्डिंग को मैं YouTube पे डालूँ, कई बार मैंने उसके पार्ट्स को ट्रिम करके मैंने YouTube पे डालने की कोशिश करी, लेकिन आज तक वो वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाया। और रिसेंटली हुआ ये कि एक दिन, अभी ये करीब की बात है, जनवरी की बात है, जनवरी के अंदर लास्ट मैंने उस वीडियो को अपलोड करने की कोशिश की थी YouTube पे, लेकिन उसके बाद में जनवरी के अंदर अंदर में जिस टाइम पे मैं उस रिकॉर्डिंग को अपलोड कर रहा था, तो 80% वो वीडियो अपलोड हुई, और 80% के बाद अपलोड होने के बाद मेरा मोबाइल ही ख़राब हो गया, वो ऑन ही नहीं हुआ। आज तक वो फ़ोन मेरा बंद पड़ा हुआ है। उसको दे गया मैं सर्विस सेंटर में, मैंने दिखा लिया, हर दुकान पर मैंने उसको दे लिया, वो बंदा कोई उसको ठीक करके राजी नहीं है। तो ये उस रात की कहानी थी। अब सीधी सी बात है कि हम लोग सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा समझदार हैं, हमारे अंदर दिमाग बहुत ज़्यादा है, लेकिन जहाँ पे दैवीय कृपा होती है, जहाँ पे दैवीय इच्छा होती है, वहाँ के आगे, उसके आगे किसी की कुछ नहीं चलती। यही वो ओमकारेश्वर का शिवलिंग है, और इसके निराकार होने का एक प्रतीक है। निराकार उसका उसे कहा जाता है जिसका कोई आकार ना हो, जो साकार ना हो। ठीक है, ये शिवलिंग अगर आप देखेंगे तो ये अस्त व्यस्त है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा है, कहीं से कुछ है कहीं से कुछ है। तो ये जो है, ये शिवलिंग जो है, ये ओमकार का ही प्रतीक है। ओमकार यानी कि निराकार का प्रतीक है, और इसीलिए शिवलिंग जो है शेप में नहीं है। इसके अलावा पूरी की पूरी जो खांडवा की वो भूमि है जहाँ पे ओमकारेश्वर का मंदिर स्थित है, पूरी भूमि चमत्कारिक है, क्योंकि वहाँ पे नर्मदा नदी बहती है। कहा जाता है कि गंगा का स्नान, यमुना का आचमन और नर्मदा के दर्शन, ये समान पुण्य देने वाले हैं। और वहाँ पर जो नर्मदा नदी बहती है, वो अपनी धारा से उल्टी विपरीत होकर के बहती है, मतलब अगर उसको सीधा जाना चाहिए तो सीधा नहीं जाएगी, वो उल्टी चलती है। ये वो शयनार्ती है, मतलब ये वो उनका शयन श्रृंगार है। आप देख सकते हैं सामने शिवलिंग है भगवान का, और यहाँ पे उनकी जो है चौसर लगी हुई है शैया के ऊपर, और ये मेरे फ़ोन से ही खींची हुई फ़ोटो है। तो कुछ रहस्य ऐसे होते हैं, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो परमात्मा नहीं चाहते कि वो बाहर आए। ऐसे ऐसे बहुत रहस्य हैं, ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पे ऐसे चमत्कार होते हैं। निधिवन के अंदर की अगर आप बात करें कि निधिवन के अंदर भी ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं कि कहा जाता है कि राधा कृष्ण वहाँ पे रात को आकर के रासलीला रचाते हैं। गोकुल के अंदर एक रमण रेती नाम की जगह है जहाँ पे बोला जाता है कि भगवान कृष्ण अपने बाल रूप में आकर आज भी वहाँ पर बाल की रेड़ा करते हैं, जहाँ पर कृष्ण के पैरों के निशान वहाँ की रेत पर मिलते हैं। और ऐसे ऐसे बहुत सारे चमत्कारिक मंदिर हैं जहाँ पे ऐसे ऐसे चमत्कार घटते हैं और डेली घटते हैं। जैसे कि ओमकारेश्वर की ही बात करें तो ओमकारेश्वर में सदियों से ही वहाँ पर ये चमत्कार घट रहा है, और आज तक किसी को पता नहीं चला कि वहाँ पर क्या हुआ। इस बात की गारंटी मैं ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने वो चीज़ अपनी आँखों से देखी है, कि
वहाँ के उस गर्भगृह में वहाँ के कपाट बंद होने के बाद में कोई भी बाहरी व्यक्ति या कोई भी बाहरी पुजारी जो है वो प्रवेश नहीं करता। तो इस चीज़ की वजह से मैं इस चीज़ को समझ पाया कि वहाँ पे कोई ना कोई अलौकिक शक्ति है, चाहे वो भगवान शिव पार्वती हो, चाहे वो कोई उनके गण हो, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन वहाँ पे कोई ना कोई ऐसी अलौकिक शक्ति है जो उस स्थान के ऊपर में रहती है, वो उस स्थान की रक्षा करती है, वहाँ के लोगों को ये यकीन दिला के रखती है कि मैं हूँ यहाँ पे, अब मेरी सत्ता है यहाँ पे। आज तक किसी को पता नहीं चला कि काल भैरव के मंदिर में जो काल भैरव की मूर्ति है उसके अंदर जाने वाली शराब कहाँ जाती है, किसी को नहीं पता। ज्वालामुखी की ज्योत, जो माँ ज्वाला देवी की जो ज्योत चलती आ रही है न जाने कितने हज़ारों सालों से, वो ज्योत आज तक कैसे जल रही है, जबकि साइंटिस्ट इस बात को बोल चुके हैं कि उस ज्योत के नीचे की ज़मीन में कोई भी नेचुरल रिसोर्स ऑफ गैस नहीं है, कोई प्राकृतिक गैस का वहाँ पे साधन नहीं है जो उसको नीचे से ऊर्जा देती रहे और वो जलती रहे, और वहाँ पे वो ज्योत जो अखंड जल रही है न जाने कितने वर्षों से। तो ऐसे ऐसे चमत्कार बहुत हैं और भरे हुए हैं पूरे भारत के अंदर, जहाँ पे देवी देवता समय समय पर अपनी, कोई मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे देवी देवता समय समय पर अपनी लीला दिखाते हैं, कई मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे रोज़ दिखाते हैं। तो ये होता है, ठीक है, ये मेरा परीक्षित है, मैं इस चीज़ का मैं गवाह हूँ, और इसके बारे में मैं और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। तो एक बात और है आप जो मैं बोलूँगा आप लोगों को कि देखिए, जब भगवान अपने होने का सबूत देते हैं ना, तो इसका अर्थ ये है कि भगवान को अपने होने का सबूत इसलिए देना पड़ता है क्योंकि शैतान की मौजूदगी भी कहीं ना कहीं है। तो ये संदेश मेरा उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते और भगवान होते हैं। तो भगवान अकेले नहीं है, इस पृथ्वी पर भूत प्रेत भी हैं, उनकी भी हमें, भूत प्रेतों की भी हमें बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सुनने को मिलता ही रहता है। ज़रूरी नहीं है कि वो बातें जो हम अपनी आंखों से ना देख पाएँ वो नहीं है। तो मेरा आप लोगों को यही उद्देश्य था इस वीडियो को बनाने का। अभी के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।